नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube के चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार 2018 में गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बहुत सारी जॉब आने वाली, जिसमें यूपी लेखपाल, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, यूपी पुलिस, एसबीआई, हाई कोर्ट से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसियाँ आएंगी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2018 में कौन सी सरकारी नौकरी आ गई है और कौन सी आने वाली है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ये होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट कर देंगे। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कौन सी वैकेंसी चल रही है अभी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती अभी चल रही है, जिसमें टोटल वैकेंसी 41,500 है और इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है 12th पास मांगी गई, यानी जिन्होंने 12वीं पास करके वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट है कि 22 फरवरी 2018, यानी आप इसका फॉर्म 22 फरवरी 2018 से पहले इसका फॉर्म भर दें। और दोस्तों इसमें बात करें कि UPSI, इसमें UPSI की वैकेंसी भी आने वाली है, जिसमें टोटल वैकेंसी 4,000 रहेगी और इसका नोटिफिकेशन फरवरी या मार्च के बीच में आ जाएगा। और इसकी क्वालिफिकेशन है कि जो मांगी होगी बैचलर डिग्री, यानी किसी ने भी अपने ग्रेजुएशन कर रखी हो उसकी इसमें क्वालिफिकेशन रहेगी। चलिए दोस्तों दूसरी वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। दूसरी वैकेंसी में देखा जाए इंडियन रेलवे के बारे में, दोस्तों 2-3 सालों से ग्रुप डी में इंडियन रेलवे में वैकेंसी नहीं है, तो इस बार इसमें आने की वैकेंसी है। और ये न्यूज़पेपर के माध्यम से भी बताया गया है रेलवे मंत्री द्वारा कि ग्रुप डी में लगभग 72,000 पोस्ट खाली हैं, तो 72,000 की वैकेंसी आएगी और RPF में लगभग 19,952 के करीब आएगी और इसकी भी क्वालिफिकेशन 12वीं पास आएगी। और दोस्तों इसको मैं बता दूँ कि इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। चलिए दोस्तों तीसरी वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तीसरी वैकेंसी जो अभी फ़िलहाल में चल रही है और इसकी लास्ट डेट भी बहुत ही नज़दीक आई गई है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि SBI क्लर्क की वैकेंसी चल रही है, जिसमें टोटल वैकेंसी 8,300 है और इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगा इसमें बैचलर डिग्री मांग रखा है और इसकी लास्ट डेट हैगी 10 फरवरी 2018। दोस्तों ये डेट बहुत ही नज़दीक है, अगर आपका क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, वो बहुत ही जल्द भरेंगे तो इसकी डेट खत्म होने वाली है। चलिए दोस्तों चौथी वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। चौथी वैकेंसी देखी जाए यूपी लेखपाल 2018। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2019 में लगभग चुनाव होगा, तो इस बार तो जो गवर्नमेंट है कि वो करेगी कि वैकेंसी इस साल बहुत ही ज़्यादा निकालेगी, तो जाहिर सी बात है कि यूपी लेखपाल की वैकेंसी भी आने वाली है, जिसमें लगभग 4,500 पोस्ट रहेगी और इसकी क्वालिफिकेशन जो रहेगी 12th पास प्लस में CCC का सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, जो कंप्यूटर द्वारा यानी DOEX सोसाइटी द्वारा मिलता हैगा और इसका नोटिफिकेशन भी बहुत ही जल्द आने वाला है। चलिए दोस्तों वैकेंसी दूसरी वैकेंसी बारे में बात करें तो SSC CGL के बारे में आएगा, जिसकी टोटल वैकेंसी लगभग 8,000 से लेकर 10,000 के बीच में संभावना है, इतनी पोस्ट इसमें रहेंगी और इसकी क्वालिफिकेशन है कि बैचलर डिग्री, यानी इसमें भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और इसका नोटिफिकेशन भी बहुत ही जल्द आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। इसमें देखा जाए यूपी असिस्टेंट टीचर, दोस्तों ये वैकेंसी अभी चली रही है, जिसमें लगभग टोटल वैकेंसी है इसमें 68,800 और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो प्लस में BTC होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए और इसमें सर जो टीचर से रिलेटेड क्वालिफिकेशन होते हैं वो सभी मांगे गए हैं। और इसकी लास्ट डेट मैं आपको बता दूँ 5 फरवरी 2018, इसकी डेट और भी नज़दीक है, तो दोस्तों आप इसका फॉर्म भर सकते हैं।